Yes, class. Good morning to all. Class. Now, yesterday I have discussed about the area related to circle. Area related to circle का जो भी definitions था, formula, how we learn formula, we have done, है ना? And we have done also some questions, है ना? Some questions. And after that, today we will discuss a questions from NCERT, है ना? जो NCERT का है, वो आज questions हम लोग करेंगे. So without doing that, let us start our chapters. That is the area related to circle. हाँ. First project के लिए, है ना? आप लोग ध्यान में रखो कि project हमें करना है. आर्ट इंटीग्रेटेड है, उसमें जो आपको बता रखा हूँ कि कैसे जो होता है कंपेयर करके लिखना है, क्या करना है, है ना? आप कंपेयर करके जरूर लिखें और एज पॉसिबल एज, है ना, यू विल फिनिश. चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं. 12.1 एक्सरसाइज 12.1, है ना? ये जैसे 12.1 का जो होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज अ गिवन दैट पाई वैल्यू, पाई इक्वल टू 27 अपॉन 22 अपॉन 7, इट्स अ गिवन. क्लास फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट कि द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 19 cm एंड 9 cm. रेडियस ऑफ द टू सर्कल, दो सर्कल का रेडियस गिवन है. Respectively, find the radius of the circles which has a circumference equal to the sum of circumference of the two circles. है ना? ऐसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है क्लास, रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है, है ना, जिसका सम जो है दो सर्कल का. यानी सपोज करो C1 का, है ना, रेडियस है ना इसका R1, रेडियस कितना है, इसका रेडियस दिया हुआ है 19 cm, है ना, 19 cm. और C2 दूसरा सर्कल है, है ना, दूसरा सर्कल है, उसकी रेडियस जो है, रेडियस R2 दे रखी है 9 cm. ठीक है, कहता है सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्कल दैट इज द इक्वल टू द थर्ड सर्कल. ठीक है ना, यानी सर्कमफ्रेंस को भी वी विल डिनोट विद द सर्कल C1 प्लस C2 इक्वल टू C3. यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड. अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं ना, आप प्रोसेस को लेंदी खुद बनाते हो और कहते हो क्या कि आपका सर्कल रिमोट में जो क्वेश्चन था ना वो लेंदी था, है ना. अब आप क्या करोगे कि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, अब इस सर्कमफ्रेंस का पहला फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस निकालोगे, सेकेंड का सर्कमफ्रेंस निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, है ना. तो देखो यहाँ पे जो होता है हम लोग ये 2πr1 + 2πr2 = 2πr3, ये हो गया, क्लियर है. अब यहाँ पे देखो 2π कॉमन है, 2π कॉमन है ना, तो दोनों हम लोगों ने 2π कॉमन ले लिया और ये कितना हो गया R1 + R2. ठीक है ना, ये यहाँ भी 2π है क्लास और ये क्या है R3. ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो R3 जो रेडियस जो होगा थर्ड सर्कल का वो क्या होगा, दैट इज द कितना होगा 19 + 9, कितना होगा 28 cm. क्वेश्चन कितना इजी है, है ना, इजी है ना. अब आप लोग इसी में क्या करते हैं ना, इसको अगर जो प्रोसेस करते पहले C1 सर्कमफ्रेंस 1 का निकालते, फिर सर्कमफ्रेंस 2 सेकंड का सर्कमफ्रेंस निकालते, उसमें पाई का वैल्यू पुट करते, 2π वैल्यू पुट करते, और जैसे ही 2π वैल्यू सब जो होता है अगर पुट करोगे, है ना, तो वो सर्कल वो जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा लंबा, है ना. तो
ऐसे काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो होता है इस तरीके से जाइए। देखो कितना इजीली हो गया, कहीं कोई कैलकुलेशन मैंने करा, खाली लास्ट में एडिशन करा, ठीक है। तो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट द रेडियस ऑफ द टू सर्कल, रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 cm and 6 cm। फिर वही है, रेडियस यानी कि सर्कल वन का रेडियस जो है कितना है, दैट इज द 8 cm है ना, और रेडियस और दूसरे आर टू का रेडियस कितना है क्लास, दैट इज द 6 cm है ना, 6 cm। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें भी कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल ऑफ द हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। अब इसका एरिया, इन दोनों का एरिया जो होता है तीसरे सर्कल का एरिया से इक्वल है, तो चलिए फिर वही करेंगे हम लोग, एरिया का ए वन ले लेता हूं, एरिया प्लस सर्कल वन है ना, सी ए कर दू सर्कल एरिया वन और सर्कल एरिया टू, तो ये किसके इक्वल होगा, सर्कल का एरिया थ्री के है ना, एरिया ए फॉर एरिया, एपल नहीं ठीक है ना, एपल भूल जाओ, ए फॉर एरिया है ना। नाउ प्लस दैट इज द, देखो अब ये एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर वन का स्क्वायर कर दो प्लस पाई आर टू का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, पाई आर थ्री का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां पे देखो, यहां पे आते हैं तब हम लोगों को क्या होता है बताओ, पाई पाई कॉमन ले लो क्या, हाँ आर आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, क्लियर है। और आर वन और आर टू और ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, पाई आर थ्री का स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस मैनेज करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई आर वन का स्क्वायर किसका है, बताना जल्दी, सिक्स एट का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर थ्री, दैट इज द स्क्वायर। देखो पाई आर आर स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ एट, स्क्वायर ऑफ एट हाउ मच, 64, वेरी गुड, एंड स्क्वायर ऑफ 6 36 प्लस दिस वन, एंड अगेन पाई आर थ्री आर स्क्वायर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नाउ हाउ मच 64 एंड 36 दैट इज द 100, पाई इक्वल टू पाई आर थ्री आर स्क्वायर, पाई टू पाई कैंसल, पाई टू पाई कैंसल, क्लियर है। अब देखो कितना है, ये स्क्वायर है क्लास, दैट इज द आर थ्री स्क्वायर विल गेट राइट साइड जैसे ही, सॉरी लेफ्ट साइड, जैसे ही इसको लेफ्ट साइड लाऊंगा व्हाट इट अंडर रूट आर थ्री एंड दैट इज द 10 cm। यूनिट लिखना ना भूले है ना, विदाउट यूनिट दैट विल बी रॉन्ग है ना, जैसे ही आपका अगर यूनिट आप नहीं लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, मार्क्स कट जाएंगे। जैसे बिना सर नेम का सबको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है ना, जैसे क्या नाम है तेरा, आर्मी सोलंकी है ना, मैं आदमी आदमी बोला सोलंकी, अब दो चार आदमी यहाँ बैठे रहे तो फिर हम कैसे करें। जैसे प्रिया, बहुत सारे जो होते हैं प्रिया स्कूल में भरे हुए, तो प्रिया का भाई सर ने हम लोग जानते करना पड़ता है भाई, प्रिया मंडरवाल, प्रिया राणा, प्रिया रावत, प्रिया है ना ये, सो यू विल मस्ट यूज द यूनिट, ये सीएम होगा या फिर जो होता है सीएम स्क्वायर, जो भी एरिया हमेशा स्क्वायर में आपको मिलेगा, ठीक है ना, पेरीमीटर सिंपल सीएम मीटर जो भी होगा उसमें मिलेगा, ठीक है, जो यूनिट है।
तो क्लास यू हैव अंडरस्टैंड इट क्लास. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग दैट कि देयर आर 12.3 इसमें फिगर भी बना रखा है. इसमें आपका जो है ये गोल्ड है, ये गोल्ड मेडल मिलने का चांसेस यहाँ पे अगर किसी का निशाने लग रहा है दैट इज द गोल्ड मेडल. अगर इस एरिया में लगेगा तो ग्रेड एरिया में तो कुछ और मेडल मिलेगा. यहाँ पे जो है क्लास दैट इज द कौन सा है रेड ब्लू ब्लू है ठीक है. अब यहाँ पे जो है ये क्या हो गया ब्लू के बाद ब्लैक है ना ब्लैक और फिर जो है हमारा क्या आ जाएगा है ना क्या है व्हाइट ठीक है. ये सर्कल हमारा बन गया है. यहाँ पे निशाने लगाने के लिए आप लोग तैयार हो ठीक है क्लास. एंड द डायमीटर इट इज सेइंग दैट कि डिपिक्ट्स आर द आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स अ फाइव अ स्कोरिंग रीजन है ना इट्स अ फाइव अ स्कोरिंग रीजन. आप लोग देख रखे होंगे निशानेबाजी में जो होता है ना राइफल से लगता है निशाने दूर से जो होता है लगाने के लिए ये पांच रीजन बताया गया है. यहाँ 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 पे आपका कितनी बार लगता है उसके अकॉर्डिंग काउंट कर करके है ना. ये तो बड़ा बना होता है वहाँ पर छोटा छोटा होता है ना. जितने छोटे होते हैं उतने जिसके सटीक निशाने उतने ही जो होता है गोल्ड पॉइंट्स मिलते हैं है ना. देख रखे हो तुम लोग यानी नहीं देखे हो. अरे मेले में भी जा करके तो ये सब देखा करो. कभी मेला घूमने के लिए जाते हो तो उठा करके देखो कि कितना मुश्किल होता है निशाना लगाना. ऐसे तो नहीं अरे एक निशाना ऐसे करेंगे लग जाएगा नहीं ठीक है ना. कभी लगा कर करके जा करके वहाँ देखो तब रियलिटी पता चलता है कि व्हाट यू आर डूइंग ठीक है कितना मुश्किल होता है क्या होता है. तो क्लास छोड़ो हमें तो निशाने लगाने नहीं है हमें तो बस इसके एरिया फाइंड आउट करना है. इट इज द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सीएम. ये इसका जो होता है स्कोरिंग जो डायमीटर है ये कितना है 21 सीएम ठीक है ना. तो एरिया ऑफ गोल्ड ठीक है ना क्या हो जाएगा बस पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर कितना है 21/2 स्क्वायर और ये कितना हो गया पाई. देखो यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा क्योंकि हमें हर का एक 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 का एरिया फाइंड आउट करना है. सो यू विल पुट हियर 22/7 इनटू 21/2 इनटू 21/2 क्लियर है क्लास. और ये हो गया 11 ठीक है ना 11 और इसको आप मल्टी ठीक है क्लास. देखो यहाँ पे ये 3 हो गया तो 33 हो जाएगा ना. तुम कटहल बाद में बताता है ना 33 इंटू 21/2 है ना. तो कितना हो गया 693. अब ये हो गया अपॉन 2 ये हो गया 4 2 3 2 4 2 8 2 6 0.5 इतना सीएम स्क्वायर ठीक है ना. इतना सीएम स्क्वायर आपका हो गया. या फिर आप क्या लिख सकते हो पाई इंटू 4 4 1/2 ठीक है ना. यानी 4 4 1 5/2 इतना भी लिख सकते हो इतना सीएम स्क्वायर ठीक है ना. या फिर आप ये काम कर सकते हो क्लियर है. अब देखो ये गोल्ड का तो निकल गया अब सही निकला ना कटहल. हाँ अब हमें देखो ये हर एक पट्टी ये जो पट्टी है इसकी 10.5 है
ये यहां से यहां तक ये भी 10.5 है और ये यहां से यहां तक 10.5 है क्लास, और ये यहां से यहां तक 10.5 है। हर एक जो होता है स्ट्रिप का जो लेंथ है दैट इज द 10.5 10.5 cm है ना, ये सारे cm है। तो बताओ अब मुझे एरिया निकालनी है रेड की, रेड की तो यहां से यहां तक, तो रेडियस इसकी कितनी होगी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द गोल्ड प्लस रेड है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ गोल्ड प्लस सॉरी व्हाट इज द रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड है ना, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन है ना एंड गोल्ड रीजन, दोनों को एक साथ ही निकालना क्योंकि हमें सेंटर से ही रिलेशंस पता है ना। सो क्लास जी प्लस आर इक्वल टू रेडियस ऑफ जी प्लस आर कितना हो जाएगा, ये भी 21/2 प्लस 10.5, अब ये भी कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 ये कितना हो जाएगा 21, यानी रेडियस अब जो हमारा हो गया रेडियस वो कहां से यहां से यहां तक कितनी हो गई 21। तो चलिए एरिया ऑफ गोल्ड प्लस आर रेड कितने हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर 21/2 सॉरी टू क्यों यहां टू नहीं लगेगा 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 ठीक है ना क्लास, इनटू ये कितना हो गया 441 नहीं 21 into 21 भी लिखा पहले कट कर दो ठीक है ना क्लास, तो ये कितना हो गया 7 3 21 और कितना हो गया ये 23 3 66 66 into 21 इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो, या अगर पाई की वैल्यू हम लोग नहीं रखते देन दैट इज द 441 cm स्क्वायर क्या हुआ 1456 cm स्क्वायर। ये हमारा देखो अभी भी एरिया हमें इसका निकालनी है, ये तो लेंथ ही है ना, तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या करोगे इसमें से इसमें माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू कितना हो जाएगा कितना 1386 क्यों भाई तेरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 1386 लग रहा है मुझे खुद ही करना पड़ेगा विश्वास नाम की चीज ही नहीं। ये जी प्लस क्या हो गया आर जी प्लस आर माइनस जी है ना, गोल्ड वाले को माइनस कर देंगे क्लास, तो देखो पहले वाले कितने आ रखे थे हमारे पास ये 346 तो 1386 माइनस कितना 346.5 इसको जल्दी से माइनस कर करके बताओ कितना है 1039.9 देखो सीएम जो भी सीएम स्क्वायर, ये इसी तरीके से आपको होता है फिर हम लोग क्या किसका निकालेंगे ब्लू का निकालेंगे फिर ब्लैक का निकालेंगे फिर व्हाइट का निकालेंगे है ना, रेडियस निकालते जाना एरिया आपको यहीं से कैलकुलेट करनी है ठीक है ना क्लास, और फिर लास्ट में माइनस कर देंगे अगर जो इसकी एरिया ये माइनस कर देंगे ठीक है, माइनस कर करके आप फाइंड करना ट्राई करना, इसके बाद जो भी होगा यू कैन डू योर सेल्फ है ना, और फिर भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग आगे भी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्लास है ना, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट कि द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 cm है ना, कोई भी व्हील है
है ना, कार की जो डायमीटर है आर कितनी है क्लास, 80 cm, आर नहीं है डायमीटर, व्हील डी, तो व्हील आर कितना हो जाएगा 20 cm, 40 cm, कितना हो जाएगा 40 cm, ठीक है। अब ये जो होता है कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन अ 10 मिनट्स व्हेन कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और 10 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना, डिस्टेंस फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस इन 10 मिनट, है ना, 10 मिनट में कितने जो होता है डिस्टेंस कवर करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लास रिवॉल्यूशन देखो जितना सर्कमफ्रेंस होगा, है ना, एक रिवॉल्यूशन में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी पहिए की सर्कमफ्रेंस होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट यू विल फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, है ना, तो चलो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना हो गया 2 पाई आर, तो ये कितना हो गया क्लास 2 × 22/7 × 40, ठीक है ना। देखो कट हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। देखो यहां ये कितना हो गया 44 × 40/7, इतना जो होता है सीएम वो ट्रेवलिंग करेगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 416 × 17 इतना अपॉन 7 सीएम, इतना ये ट्रेवल करेगा एक बार जब ये रिवॉल्व पहिया वन टाइम्स जब रिवॉल्व करेगा तो ये डिस्टेंस कवर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो चलो यहां पे तो 10 मिनट में ये कितने, अब कितने मिनट में कितना दूर जाता है वी डोंट नो, सो वी विल यूज द स्पीड, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में, ये सीएम में है बेटा, है ना, और इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज, अगर इसको हम लोग मीटर में चेंज करें तब क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, नहीं मीटर में जब इसको ये तो सीएम में है ना, तो यहां पे अगर हम लोग केवल पॉइंट भी लगा दें, है ना, पॉइंट भी लगा दें तब ये क्या हो जाएगा मीटर में चेंज हो जाएगा, है ना, ये यहां पे मीटर में चेंज हो जाएगा, दो डिजिट के बाद डेसिमल कर दोगे तो ये मीटर में चेंज 1760.7, ये इतना मीटर, ये इतना मीटर हो गया। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया तब इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करूंगा, किसमें, मीटर पर मिनट में, तो स्पीड कितनी है, स्पीड इक्वल टू 66 मीटर में, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए कितना करते हैं 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 60, क्योंकि हमें मिनट में सेकंड में नहीं चेंज करना, मिनट में चेंज करना कि एक मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो देखो ये जो होता है कितना हो गया 0 से 0 और 11 से कितना हो गया 1100, इतना मीटर पर मिनट, है ना, इतना मीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में ये इतना डिस्टेंस कवर करता, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस ये कवर करता है, क्लियर है। अब यहां पे जो होता है कितने कितने मीटर है, और ये एक बार जब पहिए घूमती है तो इतने, अच्छा एक बात बताओ, अगर जो एक मिनट में इतना जाता है इन वन मिनट क्या हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है
1100 मीटर, ठीक है ना। तो 10 मिनट में कितना कवर करेगा, कितना कवर करेगा, 1100 इंटू 10 यानी 11,000 मीटर, 10 मिनट में ये कितना कवर करेगा। तो कह रहा है कि कितना रिवॉल्यूशन, कहता है कि द व्हील ऑफ अ कार आर अपर डायमीटर इतना, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील, है ना। तो देखो इतना 10 मिनट में ये कवर करेगा, तो कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है, तो रिवॉल्यूशन एक रिवॉल्यूशन में इतना जा रहा है और टोटल इतना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया, 11,000 अपॉन ये कितना हो गया 1760 पॉइंट ये इंटू 7, इसको जो होता है डिवाइड कर दो, इससे हमने डिवाइड कर दिया और जो भी आ जाएगा वो उतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होंगे पास, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया 25 × 25 × 7 और क्लास इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 4375 रिवॉल्यूशन, है ना। इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर ये को, है ना, ट्रेवल करना पड़ेगा तब जाकर के ये इतने डिस्टेंस कवर करेगा। ओके क्लास, क्लास देखो, नाउ वी विल गो ऑन 12.2 एक्सरसाइज, बाकी जो भी एक आध क्वेश्चन बच गया है यू विल डू योरसेल्फ, इतने करने के बाद में उतने तो हो जाएंगे, है ना सर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल्स विद द रेडियस 6 cm एंड द एंगल, ये तो आपको आपसे फाइंड आउट हो जाएगा क्लास एकदम बिल्कुल, जो है सेक्टर 80 cm है, सॉरी ये 60 cm ये बता भी रखा हूं और ये 6 cm है, 6 cm है, तो सेक्टर का निकालना है ना। यू विल यूज द फॉर्मूला, सो फर्स्ट यू विल डू योर सेल्फ। सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज, क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का कितना होता है 90 degree, है ना। तो 90 upon 360 × कितने हैं 22 cm है रेडियस, है ना, ने क्वाड्रेंट सर्कमफेरेंस दिया होगा, तो सर्कमफेरेंस यानी 2πr = 22, ठीक है ना। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/2π, इसको मैं कट नहीं करूंगा यहीं पे, देखो ये कितना होता है 22 रेडियस आ गया ना, तो पाई और इंटू कितना होगा क्लास 22/2π × 22/2π, पाई पाई कैंसिल हो गया ना, बाकी वैल्यू डाल कर करके आप जो होता है ये जो होता है 4 हो गया, है ना, वो कट जाएगा, सब कटेगा, है ना, 11 जा, है ना, बाकी आप कैलकुलेट कर करके निकाल लोगे इतनी बात। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज ऑफ अ क्लॉक इज 14 cm, फाइंड द एरिया शिफ्ट बाय द मिनट, ठीक है। तो यहां तक ले हो गया, अब जो भी है ये क्वेश्चंस 12.2 आप करने का कोशिश करोगे, देखो एक आध क्वेश्चन छोड़ करके सारे लगभग लगभग हो जाएंगे, है ना, देखना कल कितने होते हैं आपसे, नहीं तो रेस्ट जो भी बचेंगे कल हम लोग कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।